हेलो एवरीवन, पिछली कुछ वीडियोस में हमने रेलवेज, रोडवेज एंड पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जल परिवहन। इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज, डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट एंड द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज यानी जल परिवहन की क्या उपयोगिताएं हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स, यानी कि भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यह साधन सबसे सुविधाजनक है। यानी कि आसानी से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। एंड इट इज फ्यूल एफिशिएंट, इट मीन्स ऊर्जा सक्षम भी है और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसका मतलब कि जो वाटरवेज हैं वो बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं, यानी कम प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस तरह से ये जो है, ये क्या है, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, यानी भारत में जो इनलैंड वाटरवेज जो कि नदियों में और नहरों में किया जाता है, उसकी टोटल लेंथ जो है 14,500 किलोमीटर है। इसके बाद जो है आता है डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा ऐसे कौन कौन से जलमार्ग हैं जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इनकी संख्या कितनी है, 5, यानी कि देश में 5 ऐसे वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, यानी गंगा नदी पर फ्रॉम इलाहाबाद, देखिए ये इलाहाबाद है यूपी में, एंड टू हल्दिया, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, जिसकी टोटल लेंथ 1,620 किलोमीटर है एंड इट इज नोन एज नेशनल वाटरवे नंबर 1। द सेकेंड इज द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी। ब्रह्मपुत्र नदी पर देखिए सदिया से लेकर धुबरी तक एंड इट्स टोटल लेंथ इज 891 किलोमीटर एंड इट इज नोन एज नेशनल वाटरवे नंबर 2। यानी कि फर्स्ट वाटरवे गंगा नदी एंड द सेकेंड नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। एंड द थर्ड इज द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, केरल में जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है यानी पश्चिम तटीय नहर है, जिसमें कोटापुरम से लेकर कोलम तक ये नहरें हैं, उद्योग मंडल एंड चंपककारा नहरें, इन सबको मिलाकर जो द वेस्ट कोस्ट कैनाल है उसकी टोटल लेंथ जो है वो 205 किलोमीटर है एंड इट इज नोन एज नेशनल वाटरवे नंबर 3। एंड द नेक्स्ट इज
specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada, Punducherry, stretches of canals. यानी ये देखिए मैप में ये दिखाई दे रहा है आपको कौन कौन सी रिवर गोदावरी एंड कृष्णा. यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार किया गया है किसके साथ साथ काकीनाडा और पोंडोचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ. तो ये देख सकते हैं आप एंड इट इज नोन एज नेशनल वाटरवे नंबर 4 जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 1078 किलोमीटर. एंड द लास्ट इज स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मणी अलोंग विद मातई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर्स एंड द ईस्ट कोस्ट कैनाल. यानी कि जो मातई नदी है इस नदी को लेकर इसके साथ साथ जो महानदी के डेल्टा चैनल हैं उनको ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ जो है वो इस ब्रह्मणी नदी का विस्तार किया गया है और इनको मिलाकर इसे क्या कहा जाता है द ईस्ट कोस्ट कैनाल. ये देखिए ये ईस्ट कोस्ट कैनाल है. ये मैप में ईस्ट डायरेक्शन होती है तो ये याद रखने के लिए आप ईस्ट कोस्ट कैनाल कह सकते हैं. ये एरिया जो है वो वेस्ट पार्ट कहलाता है तो इसको वेस्ट कोस्ट कैनाल. तो इस तरह से जो फिफ्थ नेशनल वाटरवे है उसकी टोटल लेंथ 588 किलोमीटर है. तो इस तरह से नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि गंगा नदी पर है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, थर्ड इज वेस्ट कोस्ट कैनाल नेशनल वाटरवे नंबर 3, इसके बाद जो गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास है नंबर 4, और इसके साथ साथ ये देखिए ये उड़ीसा में यहाँ ये क्या है ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये क्या है नेशनल वाटरवे नंबर 5. तो इस तरह से देश के अलग अलग भागों में गवर्नमेंट द्वारा ये नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए. अब देखिए मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख बंदरगाह. अब इंडिया की ये जो कोस्ट लाइन है यानी कि तट रेखा यानी कि समुद्र से लगती हुई लाइन, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 7516.6 किलोमीटर, और इसी पर जो है वो 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं 12 मेजर पोर्ट्स. इसके अलावा 200 माइनर पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं और इन्हीं पोर्ट से इंडिया का 95% ट्रेड यानी कि व्यापार यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यही पोर्ट्स हैंडल करते हैं तो इसलिए इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस. अब देखें तो कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि ईस्ट कोस्ट पर आपको नज़र आ रहे होंगे यानी पूर्वी तट पर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन, और इसी तरह से वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागाओ, न्यू मैंगलोर एंड कोची. ये जो पोर्ट्स हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है. अब जानते हैं कि ये जितने भी पोर्ट्स हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पोर्ट्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल कांडला पोर्ट, देखिए कांडला पोर्ट इट इज सिचुएटेड इन कौन सा स्टेट है ये, गुजरात. एंड फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद सबसे पहले विकसित किया गया पोर्ट. क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कराची पोर्ट था जो अब पाकिस्तान में है, उससे सारा जो व्यापार है वो हैंडल कर लिया जाता था, लेकिन पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान के अंडर में चला गया. तो गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि इस पार्ट में कोई भी पोर्ट नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस पोर्ट को डेवलप किया. इसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट, यानी इसका नाम क्या कर दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइडल पोर्ट, इसको ज्वारिये बंदरगाह भी कहा जाता है. टाइडल पोर्ट के बाद आता है, यानी कि कांडला पोर्ट के बाद मुंबई पोर्ट. अब मुंबई पोर्ट देखेंगे आप, तो ये देखिए ये मुंबई पोर्ट है एंड इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह. एंड नेचुरल एंड वेल शेटर्ड हार्बर. अब हार्बर क्या होता है, हार्बर मीन्स पोताश्रय, जहाँ पर शिप को रखा जाता है. क्यों? ताकि ख़राब मौसम से या फिर समुद्र की लहरों से उसको बचाया जा सके. इसके बाद नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. अब क्या है कि मुंबई पोर्ट बिगेस्ट पोर्ट है, यानी बहुत बड़ा है, तो उसकी भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया गया. नेक्स्ट इज मारमागाव पोर्ट. अब मारमागाव पोर्ट जो है वो गोवा में है एंड इट इज़ द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी 50% जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी पोर्ट से किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज न्यू मैंगलोर. अब देखिए न्यू मैंगलोर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, यानी ये भी किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए. और आयरन ओर यहाँ पर कुंद्रेमुख माइंस हैं, आयरन ओर माइंस, यानी कि लो अयस्क निकाला जाता है इस एरिया में. और यहाँ से जो न्यू मैंगलोर है उस पोर्ट से ये अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी विभिन्न देशों को भेजा जाता है. नेक्स्ट इज कोची. कोची इज इन केरल एंड इट इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लगून. अब लगून क्या होती है, साल्ट वाटर लेक, यानी कि खारे पानी की झील, यानी लगून के मुहाने पर स्थित है. एंड द नेक्स्ट इज तूतीकोरिन. अब देखिए तूतीकोरिन कहाँ है, ये तमिलनाडु में. नेचुरल हार्बर, यानी कि प्राकृतिक पोताश्रय है और इसके साथ साथ रिच हिंटरलैंड. हिंटरलैंड क्या होता है, हिंटरलैंड मीन्स द एरिया दैट आर अवे फ्रॉम द कोस्ट और फ्रॉम द बैंक्स ऑफ अ लार्ज रिवर, यानी कि कोई भी एक बहुत बड़ी नदी है उससे दूर स्थित एक स्थान. एंड द नेक्स्ट इज चेन्नई. चेन्नई ये देखिए तमिलनाडु में दो पोर्ट हैं, फर्स्ट इज तूतीकोरिन एंड द सेकंड इज चेन्नई. इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, सबसे पुराना कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ पोर्ट है ये. एंड द नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम. अब देखिए विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश,
इट इज़ द डीपेस्ट. डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा. इसके साथ साथ लैंड लॉक्ड यानी जमीन से घिरा हुआ. एंड वेल प्रोटेक्टेड और सबसे सुरक्षित बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है. नेक्स्ट इज पारादीप. अब देखिए पारादीप इज इन उड़ीसा. अब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस एरिया में वो आयरन निकाला जाता है यानी आयरन डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर और अदर कंट्रीज़ में भेजने के लिए पारादीप पोर्ट को यूज़ किया जाता है यानी यहाँ से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज़ कोलकाता. कोलकाता इज़ इन वेस्ट बंगाल. अब कोलकाता में टू पोर्ट्स हैं, देखिए कोलकाता एंड हल्दिया. अब कोलकाता देखिए इनलैंड रिवराइन पोर्ट. कोलकाता पोर्ट इज नोन फॉर इनलैंड रिवराइन पोर्ट एंड अ टाइडल पोर्ट और ज्वारीय बंदरगाह भी है. इसके साथ साथ हल्दिया. अब हल्दिया पोर्ट को यहाँ क्यों डेवलप किया गया है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट बहुत बड़ा है. जैसे मुंबई पोर्ट पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया गया है, उसी तरह से कोलकाता पोर्ट के सहायक बंदरगाह के रूप में जो है वो हल्दिया को डेवलप किया गया है. तो इस तरह से ये इंडिया के डिफरेंट मेजर पोर्ट्स हैं और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं. जैसे नेम एनी टू टाइडल पोर्ट्स, तो देखिए कांडला एंड कोलकाता. बिगेस्ट पोर्ट मुंबई. डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट विशाखापट्टनम. इसी तरह से ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई. विच पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द एंट्रेंस ऑफ अ लैगून. कोची. तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो इससे रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं और मे बी ये भी पूछा जा सकता है कि नेम द डिफरेंट पोर्ट सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो यानी कि ये टॉपिक स्पेशली समझ में आ गया होगा. थैंक यू.